गाइस, तो हम इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ये केक बनाते हैं, जैसे कि केक डेकोरेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ये आप इंस्टेंट सी रेसिपी जल्दी से नोट डाउन कर लें और जल्दी से बना लें। चलते हैं अपनी किचन की तरफ और इसे और बनाते गाइस, हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं थिक सा इंस्टेंट सा बन जाने वाला हमारा चॉकलेट सॉस, यानी चॉकलेट सिरप। आप इसे चॉकलेट सिरप भी कह सकते हैं गाइस। चॉकलेट सॉस यानी चॉकलेट सिरप बनाने के लिए मैंने लिया है ये 4 टेबल स्पून मैंने आइसिंग शुगर ली है, ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। ये टीस्पून है, वो टेबलस्पून है। तो गाइस, जब पानी की तरफ चलते हैं, तो ये मैंने 4 टेबलस्पून इसमें लिया और 4 टेबलस्पून इसमें। इसका एक खास वजह ये है कि हमने दो दफ़ा पानी ऐड करना है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ मैंने 4 टेबलस्पून इसमें और 4 टेबलस्पून इसमें, मतलब टोटल हमने 8 टेबलस्पून लेना है, लेकिन 4 4 करके 4 इसमें रखें अलग कप में और 4 अलग रखें। ओके गाइस, तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पैन लें, उसके अंदर सबसे पहले आइसिंग शुगर डाल दें और उसके बाद कोको पाउडर और साथ ही हमारा कॉर्नफ्लोर जाएगा इसके अंदर। तो इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले मिक्स कर लें गाइस। जिससे हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून जो हमने अलग रखा था 1 कप के अंदर, तो हम 1 कप वाला ऐड कर देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गाइस देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब इसके अंदर जो हमारा बाकी का था 4 टेबल स्पून हम वो भी ऐड कर देंगे। अब देखिए, ये थोड़ा सा पतला सा हो गया, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। अब गाइस, इसे हम पकाएंगे ताकि इसके अंदर से हमारे कॉर्नफ्लोर का कच्चा कच्चा जायका ना, इसलिए हमने इसको पकाना है। आप मैंने अपनी इजी होने के लिए, मैंने तो जिस पैन के अंदर बनाना था उसके अंदर सारा बैटर बना लिया, तो अब इसी को मैं फ्लेम पर रख देता हूँ। गाइस, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको बिल्कुल मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है, तो इसको जब तक हम इसके अंदर थोड़ा सा उबाल नहीं आ जाता, इसको पहले तो कुक करते हैं हम इसी तरह। गाइस ये देखिए, हमारा ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर लिया है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इसकी हमें इतनी ही थिक बस कंसिस्टेंसी चाहिए थी, इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं चाहिए, जो बिल्कुल रेडी है। बस ये देखिए, मैंने इसे बोतल में 1 मिनट ट्रांसफ़र कर लिया, बोतल में इसको ऊपर से इस तरह से सुराख है, जिसे हम इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप केक बनाते हैं घर में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए।